गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है फिर से नई वीडियो अपनी बनाने जा रहे हैं। ये क्लास सिक्स की क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर फोर है जो सिविक्स से लिया गया है। चैप्टर का नाम है रूरल एंड अर्बन लिवलीहुड। कहने का मतलब ये है, एक बार फिर से आपको बता देना चाहता हूँ कि आज हम लोग जो है क्लास सिक्स की SST का चैप्टर नंबर फोर, जो की अंतिम चैप्टर है सिविक्स का, उस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। और चैप्टर का नाम है रूरल एंड अर्बन लिवलीहुड। जैसा कि आपको पता है कि रूरल का मतलब होता है ग्रामीण और अर्बन का मतलब होता है शहरी और लिवलीहुड का मतलब होता है जीविका। तो हम लोगों को ये जानना है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं, जो शहरी क्षेत्र के लोग होते हैं, उनकी जीविकाएं किस प्रकार से चलती हैं। तो इस चैप्टर में जो डिस्कशन होने वाला है वो टॉपिक्स हमने यहाँ पे नोट किए हुए हैं और इन टॉपिक्स पर आज की जो हमारी वीडियो है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन। जैसा कि आपको पता है कि हर चैप्टर में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है और हम लोग जो है इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, जिसमें एक शॉर्ट स्टोरी होगी, एक छोटी सी कहानी होगी और वो कहानी जो है आपको चैप्टर तक ले जाएगी, चैप्टर से रिलेट करेगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेकिंग और लिविंग, यानी किस प्रकार से लिविंग बनता है, मेकिंग और लिविंग के बारे में हम लोग जो है जानेंगे। अगला पॉइंट है हमारा कैटेगरीज ऑफ ऑक्यूपेशन, यानी जो व्यवसाय होता है, या ऑक्यूपेशन का मतलब है व्यवसाय। तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि जो व्यवसाय होता है वो कैसे कितने प्रकार का होता है। तो प्रकार यानी कि हम लोग जो है वो व्यवसाय के प्रकार के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। अगला पॉइंट है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन इन द सिटीज, यानी जो शहर होते हैं, जो कस्बे होते हैं, शहरों की बात अगर हम जब करेंगे तो वहां पर जो हमारा ऑक्यूपेशन होता है, वहां पर जो हमारा व्यवसाय होता है वो क्या होता है। इसके अलावा लास्ट पॉइंट होगा, लास्ट पॉइंट पर जो हम डिस्कशन करेंगे तो लास्ट पॉइंट है डेली वेज लेबर, यानी प्रतिदिन जिसको हम कहते हैं दैनिक जीवन मजदूरी करने वाला मजदूर, इसके बारे में जानेंगे, डेली वेज लेबर के बारे में जानेंगे, दैनिक मजदूर के बारे में जानेंगे और हम लेबर जॉब्स के बारे में जानेंगे। हम आपको बताएंगे कि शहरों में कुछ ऐसे चौक्स रहते हैं, कुछ ऐसे चौक होते हैं जहां पर ये लेबर आसानी से आप लोगों को कार्यों के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। तो इस प्रकार से 1, 2, 3, 4 और 5 पॉइंट पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं और पहला पॉइंट है हमारा इंट्रोडक्शन। चैप्टर जो है उसमें जो कहानी दी है वो चैप्टर को किस प्रकार से रिलेट करती है, यानी फिर से बता देता हूँ, चैप्टर है रूरल एंड अर्बन लिवलीहुड, यानी शहरी ग्रामीण और शहरी जीविकाएं। तो कहानी में एक बच्ची है जिसका नाम है रितु। रितु जो है वो एक अपार्टमेंट में, एक घर में रहती है अपने पेरेंट्स के साथ और उसका अपार्टमेंट दिल्ली में है, यानी दिल्ली में है। देखेंगे तो उसकी माँ डॉक्टर है और उनके पिता जो है वो एक टीचर है। और देखेंगे तो अक्सर वो लोग जो है वो अपने पड़ोसियों के साथ मार्केट जाते हैं और उसके जो पेरेंट्स हैं, देखेंगे तो जब वो अपने पेरेंट्स के साथ वो रितु मार्केट जाती है तो अलग अलग प्रकार के लोगों को मार्केट में वो देखती है, कुछ स्ट्रीट वेंडर्स उसको दिखाई पड़ते हैं, जो ठेले वाले होते हैं, ये सारे लोगों को हम जब मार्केट निकलते हैं तो ऐसे ही लोग हमको दिखाई देते हैं और जो लोग दिखाई देते हैं वो कोई ना कोई वस्तु बेचते हुए हमको दिखाई देते हैं, यानी उनका कार्य क्या होता है, वस्तुओं को बेचना। हमारा काम क्या होता है, वस्तुओं को खरीदना। तो हम वस्तुओं को खरीदते और क्या करते हैं, बेचते हैं। तो इस प्रकार से जो है वस्तु खरीदी और बेची जाती है। इसके अलावा देखेंगे तो कुछ चीजें और यहाँ पे निकल कर आती हैं कि जो रितु है वो बहुत ही ज्यादा क्यूरियस होती है, कह सकते हैं बहुत ज्यादा उसके अंदर जिज्ञासा आती है कि दिन भर तो ये लोग रहते हैं लेकिन जब रात होती है तो रात के समय ये लोग कहाँ चले जाते हैं, जो दुकानदार होते हैं वो दुकानदार कहाँ चले जाते हैं। तो देखेंगे तो जो शॉपकीपर्स होते हैं वो रात में चले जाते हैं, कुछ लोगों की तो परमानेंट शॉप होती है और परमानेंट शॉप में देखेंगे तो जो परमानेंट शॉप होती है उसमें जो वस्तुएं होती है वो परमानेंट तरीके से रखी। अलावा जो शॉपकीपर्स होते हैं वो कह सकते हैं कि वहां रहते हैं। तो जिज्ञासा उसके मन में और आती है और वो जिज्ञासा होती है कि क्या ऐसे लोगों को सैलरी पेड दी जाती है, क्या जो लोग होते हैं यानी जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं या अन्य जो लोग होते हैं उन्हें सैलरी पेड होती है, सैलरी दी जाती है,
इस पर भी हम लोग जो है वो बात करेंगे। तो चलिए आगे हम लोग जो है अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं और चैप्टर में सबसे पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं और सबसे पहला पॉइंट है हमारा मेकिंग अ लिविंग, किस प्रकार से जो है वो लिविंग बनती है। तो देखेंगे तो जो ह्यूमन बीइंग्स है उसको अपना जीवन जीने के लिए, कह सकते हैं हम सभी को, जितने लोग हम लोग हैं, हम सभी को अपना जीवन जीने के लिए तीन आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता होती है और वो आवश्यक वस्तु क्या है, रोटी कपड़ा और मकान, यानी बिना इसके हमारा जीवन जो है वो संभव नहीं है। इसके अलावा हमें पैसे की आवश्यकता होती है। पैसे की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि पैसे के माध्यम से जो है हम अपनी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। अगर हमारे पास पैसे ना हो तो हम अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं को नहीं खरीद सकते हैं। इसके अलावा हम अपनी जीविका का चुनाव करते हैं, यानी कि हमको जीवन यापन करना है, हमको कह सकते हैं कि पैसे कमाने हैं तो अपनी आवश्यकता के आधार पर हम अपनी जीविका चुनते हैं कि हम कौन सा कार्य करेंगे जिस कार्य को कर हम अपनी जीविका कमाएंगे। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि जितने लोग इस समाज में हैं, जितने लोग इस समाज में रहते हैं, सभी को अपनी जीविका कमाने का अधिकार है और ऑक्यूपेशन है। तो अगर हम व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय को तीन भागों में बांटा जा सकता है। तीन भागों में पहला भाग है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी और तीसरा है टर्शरी, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो कुल मिला जुलाकर अगर हम कैटेगरीज ऑफ ऑक्यूपेशन की बात करें तो कैटेगरीज हमारी तीन कैटेगरीज हो जाती है। तीन कैटेगरीज में जो है हम अपने ऑक्यूपेशन को बांटते हैं। बटम जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो ऑक्यूपेशन होता है, ऑक्यूपेशन कितने टाइप का होता है, थ्री टाइप का होता है, जिसमें प्राइमरी ऑक्यूपेशन की मैंने बात की, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन की बात की और टर्शियरी ऑक्यूपेशन की बात की, यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। यानी अगर हम व्यवसाय की कैटेगरी को करें, व्यवसाय का विभाजन करें, तो व्यवसाय कुल मिला जुला कर तीन भागों में बांट दिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है प्राथमिक व्यवसाय या प्राइमरी ऑक्यूपेशन की बात करते हैं। तो ऐसा व्यवसाय जो होता है वो व्यवसाय पूर्णतः जो है वो प्राकृतिक वस्तुओं पर डिपेंड होता है, और जो भी व्यवसाय प्राकृतिक वस्तुओं पर डिपेंड होता है उसे हम प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। जैसे कृषि हो सकता है, पशुपालन हो सकता है, मछली पालन हो सकता है, वानिकी हो सकती है। इन सारी चीजों में क्या होता है, सभी में नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं, सभी में प्राकृतिक संसाधन होते हैं, और जिसमें प्राकृतिक संसाधन होता है वो प्राथमिक व्यवसाय कहलाता है, यानी इसमें किसी और चीज की आवश्यकता हमको नहीं पड़ती है। दूसरा व्यवसाय हमारा सेकेंडरी ऑक्यूपेशन होता है। अगर हम सेकेंडरी ऑक्यूपेशन की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल्स मंगाते हैं और रॉ मटेरियल्स को अपनी आवश्यकता के आधार पर, रॉ मटेरियल्स यानी कच्चे माल, और कच्चे मालों को आवश्यकता के आधार पर मंगाया जाता है और उससे प्रोडक्ट जो है वो बनाए जाते हैं। इसमें देखेंगे एग्जांपल के तौर पर तो कुछ मिनरल्स होते हैं जो माइनिंग के दौरान निकाले जाते हैं, और इन मिनरल्स को फिर इंडस्ट्रीज में ले जाया जाता है और उसके बाद जो है उसे वस्तुएं तैयार की जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा आयरन है, आयरन जो है वो अपने कह सकते हो कि ओर फॉर्म में मिलता है, उसको वहां कंपनियों में ले जाते हैं, फैक्ट्रियों में ले जाते हैं, इंडस्ट्रीज में ले जाते हैं, और ले जाने के बाद फिर जो है उससे अलग अलग प्रकार की चीजों का निर्माण किया जाता है। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, प्राइमरी भी हो गया, सेकेंडरी भी हो गया। अब हमारा है तीसरा ऑक्यूपेशन जिसे टर्शियरी ऑक्यूपेशन कहते हैं, और टर्शियरी ऑक्यूपेशन में देखेंगे तो दो चीजें होती हैं, एक तो बनी बनाई वस्तुएं होती हैं और दूसरा हम कह सकते हैं कि इसमें सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं। जैसे इसमें सर्विसेज का मतलब क्या होता है, जैसे बैंकिंग की सेवा है, ये टर्शियरी ऑक्यूपेशन में आता है, टीचिंग है, टर्शियरी ऑक्यूपेशन में आता है, पोस्ट ऑफिस का कार्य है, टर्शियरी ऑक्यूपेशन में आता है, रेलवे है, सेवा प्रदान करती है आपको, टर्शियरी ऑक्यूपेशन में। यानी यूं कह सकते हैं कि जितने भी यातायात के साधन आपके होते हैं, जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के साधन होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, एक बार वस्तु यहाँ से लाई गई, दूसरी बार वस्तु जो है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग यूनिट में गई, और तीसरी बार फिर वस्तु बनकर तैयार हो गई। तो कुल मिला जुलाकर हम कह सकते हैं कि तीन स्टेप यहाँ पर होते हैं, इसी को हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ऑक्यूपेशन के नाम से जानते हैं। तो चलिए
दो पॉइंट हमारे क्लियर हो गए, एक तो मेकिंग अ लिविंग और दूसरा कैटेगरी ऑफ ऑक्यूपेशन। अब हम अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं और अगला पॉइंट है हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन इन द सिटीज, शहरों में अलग अलग प्रकार के व्यवसाय। तो चलिए देखते हैं कि शहरों में कौन सा अलग अलग प्रकार का व्यवसाय होता है। तो सबसे तो आप वेंडर्स और स्ट्रीट हॉकर्स को देखते होंगे, कुछ वेंडर्स आपको ठेले लगाए हुए मिलते होंगे, कुछ लोग जमीन पर बैठे रहते हैं जो अपनी छोटी दुकानें रहते हैं, यानी जो उनकी दुकानें होती हैं कह सकते हैं वो परमानेंट नहीं होती है। जैसे अभी लगाए, एक घंटे बाद पता चला कहीं और लगा दिए, फिर दूसरे घंटे बाद कहीं और लगा दिए, तो ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि ये जो लोग होते हैं ये ऑर्गेनाइज प्लेस पर कार्य नहीं करते हैं, ये अपनी दुकानें जो है वो शिफ्ट वाइज सेट करते हैं, यानी आवश्यकता के आधार पर वस्तुओं को रखते हैं और फिर उसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। और अक्सर देखेंगे तो प्लेस जो है वो अपनी सुविधा के आधार पर डिसाइड करते हैं, विजिबिलिटी के आधार पर डिसाइड करते हैं, कस्टमर के आधार पर डिसाइड करते हैं, यानी जहां पर जिस वस्तु की आवश्यकता होती है वहां पर वो वस्तु वो बेचने के लिए जाते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो स्ट्रीट वेंडर का कार्य होता है, यानी जो देखेंगे गलियों में घूम घूम कर वस्तुओं बेचते हैं, तो उनका कार्य बहुत कठिन होता है और अक्सर देखेंगे तो वो जो है कह सकते हैं कि कंजेशन का शिकार हो जाते हैं, भीड़ का शिकार वो लोग हो जाते हैं। और जो सरकार है देखेंगे तो कहती है इस तरीके का जो लिवलीहुड है वो प्रोसेस जो है उसे लीगलाइज कर रही है। इसके अलावा कुछ हॉकर जोन जो है बनाए गए हैं जहाँ पर लोग शांतिपूर्ण यानी बाजार वगैरह कहीं स्थापित कर दिया गया है, तो वहां लोग जाते होंगे और आसानी से अपने वस्तुओं को बेचते होंगे। इसके अलावा हम देखेंगे तो कुछ कमेटियां होती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो अलग अलग प्रकार की डिमांड होती है। आगे हम जो है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में देखेंगे तो कुछ लोग जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं और देखेंगे तो वो क्या करते हैं, पैसे को इन्वेस्ट करते हैं या फिर गवर्नमेंट के बैंक जो सेट होते हैं वहां से लोन लेते हैं और वहां से लोन लेके स्वरोजगार करते हैं, यानी अपना रोजगार करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं। तो इनको हम जो है बिजनेस पीपल कहते हैं या एंटरप्रेनर कहते हैं। तो ऐसे जो बिजनेस पीपल होते हैं उनको बिजनेस चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, लाइसेंस की आवश्यकता होती है। और ये लाइसेंस उनको कौन देता है, ये लाइसेंस उनको गवर्नमेंट के द्वारा मिलता है, या यूं कहें तो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, म्युनिसिपैलिटी होती है, वहां पर भी ऐसे लोगों को जो है अपनी शॉप चलाने के लिए, अपना बिजनेस चलाने के लिए लाइसेंस प्रोवाइड हो जाता है। आगे हम लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं और हमारा लास्ट पॉइंट है डेली वेज लेबर एंड लेबर जॉब। तो देखेंगे कि जो शहर होते हैं या शहरों की हम बात करते हैं तो वहां पर जो जॉब होते हैं लोगों के वो सिक्योर नहीं होते हैं। अब इनको क्या करना पड़ता है, इनको जॉब के लिए अलग अलग जगह जाना पड़ता है और जो लोग प्रतिदिन ये लोग जाते हैं इसलिए इनको डेली वेज लेबर कहा जाता है। और यूं कहें तो इनको घंटे के हिसाब से पेड किया जाता है, यानी यूं कहें तो इन्हें कभी कभी ऐसा भी समय आ जाता है कि इन्हें कार्य नहीं मिल पाता है, यानी इनकी जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। और इसमें कौन लोग आते हैं, इसमें आपके जो है वो कह सकते हैं कि जो मिस्त्री होता है जो ईटा जोड़ने वाला है, इसके अलावा कुछ फैक्ट्री वर्कर्स हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले लेबर्स हो सकते हैं, पेंटर हो सकता है, कारपेंटर हो सकता है, स्टोन कटर हो सकता है, या सैनिटरी वर्कर हो सकता है, कचरा वगैरह कूड़ा वगैरह साफ करने वाले लोग हो सकते हैं। तो इनके लिए क्या व्यवस्था है, इनके लिए व्यवस्था यही है कि इनको जॉब जो है वो रेगुलर नहीं मिल पाता है और ये जो लोग हैं इनको कोई सैलरी नहीं मिलती है, कि ये नहीं है कि महीना का लास्ट है तो इनको सैलरी मिल जाएगी, बल्कि ये लोग कैसे होते हैं, डेली वेज लेबर होते हैं। इसके अलावा देखेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जो होती है वो इनकी परमानेंट नहीं होती है, इनको बराबर काम नहीं मिलते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो इनको बेनिफिट भी नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं इनको ज्यादा समय तक कार्य करना पड़ता है और ज्यादा समय काम करने के बाद भी इन्हें कम पैसे मिलते हैं, इसलिए इनको कैजुअल वर्कर के नाम से भी जाना जाता है। बड़े बड़े शहर हैं तो बड़े बड़े शहरों में ऐसे एरिया होते हैं जहां पर ऐसे जो है कह सकते हैं चौक होते हैं, यूं आप समझ लें कि इन चौकों पर जो है सैकड़ों लेबर जो है आपको मिलते हैं जो बेरोजगार होते हैं, उनको
वहां से हायर किया जाता है और हायर करने के बाद जो है उनको जो है लेबर जॉब के माध्यम से हम लोग अपने अपने कार्यों में ले जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको इतने सारे पॉइंट बताए हैं, अगर इसमें आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से आप जरूर पूछेंगे। थैंक यू।